तो ऐसे व्यक्ति को सर ये बात बहुत सपोर्ट करने वाली है, तो 30,000 का मुझे 15% के हिसाब से 4,500 का डिडक्शन मेरी प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी क्रेडिट इनपुट। मतलब अगर ये वीडियो कोई देखेगा ऋषभ जी, उसको लाखों रुपए की एडवाइजरी आपके थ्रू मिलेगी। अगर आप गूगल करेंगे प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन तो आपको 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए की ढेरों लिस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करेक्ट तरीके से फ्री में कैसे करते हैं। बस आपको ये करना है, हे भगवान मेरी प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करा दो, और हो गया रजिस्ट्रेशन। वेलकम जागरूक जनता लेबर लॉ एडवाइजर की बिजनेस बेसिक सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। तो अगर आप किसी फर्म के प्रोपराइटर हैं या फिर आपने हमारा पिछला वीडियो देखकर मन बना है प्रोपराइटरशिप रजिस्टर करने का, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अ प्रोपराइटरशिप फर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं प्रोपराइटरशिप के लिए, उसकी टैक्सेशन और जीएसटी की कंप्लाइंसेस कैसे होती है, कौन सी लेबर लॉ की कंप्लाइंसेस आपको करनी पड़ती है, कुछ फाइनेंशियल टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या बैलेंस शीट आपको मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं प्रोपराइटरशिप, तो इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए। और मैं अकेला इनफ क्वालिफाइड नहीं हूँ इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए, तो इसीलिए मैंने इन्वाइट किया है सी अनूप को, और हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट ओपिनियंस शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मायसेल्फ सी अनूप भाटिया। सो एज आई सेड, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बेसिकली मेरा मेन काम टैक्सेशन एडवाइजरी पर ही रहता है। तो आई होप आज ऋषभ जी के साथ में जो हमारा इंटरेक्शन होने वाला है, इसके थ्रू मैं आपको कुछ इनकम टैक्स के संदर्भ में कुछ अच्छे अपडेट्स या इनपुट्स दे पाऊं, दैट विल बी माय एफर्ट। तो ये वीडियो काफी कॉम्प्लेक्स और थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, यू कैन जंप अराउंड। हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो किसी भी बिजनेस का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ले सके, क्योंकि आज की एक डिजिटल एज है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना बैंक अकाउंट प्रोपराइटरशिप फर्म में ओपन करना है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपने सोचा और आपका प्रोपराइटरशिप रजिस्टर हो गया है, तो प्रोपराइटरशिप में किसी भी अलग तरह के स्पेशल तरह के रजिस्ट्रेशन की तो आपको जरूरत नहीं है। एज अ पर्सन अगर आपके पास एक पैन कार्ड है तो आप कोई भी बिजनेस एनीवेज शुरू कर सकते हैं। मेरा लोगों को सजेशन है सर कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हम एक करंट अकाउंट खोल करके काम करें, ना कि सेविंग बैंक अकाउंट से काम करें। ये चीज आपको इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू बड़े काम में आने वाली है, क्योंकि होता क्या है कि हम सेविंग बैंक अकाउंट में वॉल्यूम्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, और भारत सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेविंग बैंक अकाउंट को ये मानती है कि तो आपका बचत का खाता, उसका नाम ही बचत है, तो उसमें बिजनेस कैसे शुरू कर दिया। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक करंट अकाउंट खोलिए और उसके थ्रू आप काम करिए, ठीक है। फिर मेरे से कोई बोलेगा कि नहीं बढ़िया जी, मैं तो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अमेजन से खरीद फरोख कर लेता हूँ, ठीक है, या इस प्रकार के छोटे मोटे 5-7 लाख का काम करता हूँ। मैं मना नहीं करता सर कि आप सेविंग बैंक को बिल्कुल यूज ना करिए, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बोलते हैं कि साहब मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एक वॉल्यूम लेवल पर काम करना चाहता हूँ, तो मेरा सजेशन है आप करंट अकाउंट फॉलो करें। थर्ड चीज आ जाती है कि आपको अपने फर्म का नाम अपने पर्सनल नाम से अलग करना है। ऐसा आपको तब करना होगा जब आपका बिजनेस एक्चुअली ग्रो कर रहा है, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं, आपने एक फिजिकल प्रीमिसेस ले रखी है। मान लीजिए आपने कोई कोचिंग सेंटर खोला है, या फिर आपका कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, या आपके किराने की कोई शॉप है। इन सभी तरह के बिजनेस में आप अपने पर्सनल नाम से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहेंगे और आप प्रॉपर एक अपनी फर्म का नाम रजिस्टर करना चाहेंगे। तो अपने नाम से बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा सर्टिफिकेट चाहिएगा जिसमें आपकी फर्म का जो नाम है उस नाम से आपको वो सर्टिफिकेट मिला हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम ऋषभ जैन है, लेकिन मैं अपनी फर्म फिटबॉक्स मीडिया नाम से शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं एक कागज का पीस चाहिएगा जिसमें फिटबॉक्स मीडिया लिखा है। ऐसे में सबसे आसान जो सर्टिफिकेट रहता है, जो एनीवेज लेबर लॉ की कंप्लायंसेस के हिसाब से आपको आवश्यक है अगर आप इंडिया में कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं एक्सेप्ट कि वो फैक्ट्री ना हो, वो सर्टिफिकेट है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का। इसमें सबसे कम कंप्लायंसेस होती है, बहुत ही मिनिमम फीस होती है, और ज्यादातर स्टेट्स ने अब इसके एनुअल रिन्यूअल वगैरह सारी चीजें खत्म कर दी है। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, काफी सारी स्टेट्स में ऑनलाइन मिल जाता है, नहीं तो आपको अपने लोकल किसी न किसी डीलर के थ्रू ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट लगभग सारे प्राइवेट बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं, वो आपका पैन कार्ड और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सर्टिफिकेट लेकर आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इवन अगर आप पब्लिक बैंक में अपना अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो ज्यादातर पब्लिक बैंक इवन शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की भी डिमांड नहीं करते हैं, और वो आपका बैंक अकाउंट एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी उद्योग आधार से भी ओपन कर देंगे, जिसको लेना और भी आसान है, और जिसको आप खुद ही ऑनलाइन बैठे बैठे तुरंत
अप्लाई करके कुछ ही दिनों में ले सकते हैं। अगर इन दोनों सर्टिफिकेट से आपका काम नहीं चल रहा है तभी आप जीएसटी सर्टिफिकेट की तरफ जाइए। फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कोई B2B बिजनेस शुरू करना है, ई कॉमर्स में कुछ सेल करना है, तभी जीएसटी आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज जब तक आपकी एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हो तब तक आप जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं लीजिए। उसके बारे में हम कुछ ही देर में और बात करेंगे, बट पॉइंट ये है कि उससे आप रिलेटिवली अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स को थोड़े से इनएक्सपेंसिव वे में बेच पाएंगे, प्लस आपके ऊपर कंप्लायंसेस का बर्डन कम रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई डिजिटल कोर्स बनाकर बेचना चाहते हैं तो आपका कोर्स आपके B2C कस्टमर्स के लिए 18% और महंगा हो जाएगा अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है शुरू से ही। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट करी है कि उस लिमिट तक जो छोटे बिजनेसमैन हैं एक बार अपना बिजनेस ग्रो कर ले फिर उनके पास जीएसटी और बाकी कंप्लायंसेस वो कर पाए। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड आपके पास हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किसी भी इंडिविजुअल को ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या कि प्रोपराइटर का और उसकी फर्म का दो अलग अलग पैन नहीं होता। एक प्रोपराइटर के चाहे 10 बिजनेस हो सबका एक ही पैन नंबर चलेगा। यानी जब मैं ITR भरूंगा तो मेरे सारे बिजनेस एक ही जगह आकर के मेरी एक ITR में रिपोर्ट हो जाएगी। उसके अलावा तीन सर्टिफिकेट बताए, उनमें से कोई एक, चाहे तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, चाहे MSME या फिर आपका GST। और थर्ड चीज आपको चाहिएगी एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में ऐसा हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो या कोई ऑलरेडी आपके पास रेंटेड ऑफिस हो जो आपने लिया है अपने नाम से, तब तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम पर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं आपको दो सजेशन दे सकता हूं। या तो आप ये करिए कि अपने घर पर एक पर्टिकुलर रूम, आप अपने पेरेंट्स के नाम पे आपका घर है, उनसे आप रेंट पर ले सकते हैं फॉर योर पर्सनल यूसेज, और वो रेंट एग्रीमेंट बनाकर जनरली वो एड्रेस प्रूफ के फॉर्म में एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर उससे भी बात नहीं बन रही है या आप उतने ट्रबल तक नहीं जाना चाहते हैं या वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, आपके पेरेंट्स के नाम पे भी वहां पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये कर सकते हैं कि आप एक इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए, एक पोस्टपेड कनेक्शन ले लीजिए अपने नाम से, ताकि उसका जो बिल आएगा वो बिल भी आप एड्रेस प्रूफ की तरह बैंक में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हर्डल 1 कंप्लीट हो गया और आपने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया। अच्छा, एक और चीज, अगर आप अपने फर्म के नाम से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एक सील भी जरूर बनवा दीजिएगा कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। When to take GST? GST कब लें? तो आपने एक बार अपना बैंक अकाउंट शुरू करवा दिया और आपने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया है, ऐसे में आपको GST सर्टिफिकेट कब लेना है? तो मैंने पहले कुछ कंडीशंस बताई थी, तब हो सकता है आपको कंपलसरी रूप से नहीं चाहते हुए भी GST लेना पड़े। लेकिन उसके अलावा आपको GST मैंडेटरी रूप से तब लेना पड़ेगा जब आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा टर्नओवर या इनकम करने लगेंगे। ये थ्रेशोल्ड डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आप गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपकी कोई किराने की शॉप है, अगर आप कोई डीलरशिप ले रखी है, तो उस केसेस में आप गुड्स सेल करेंगे। लेकिन अगर आप डिजिटल कोर्सेज बेच रहे हैं या फिर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर आप कोई कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी सर्विसेज हो गई। इनफैक्ट जो लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं वो भी सर्विसेज सेक्टर में आ जाते हैं। तो सर, अगर 40 लाख से ऊपर का आपका टर्नओवर है, यानी 40 लाख रुपए से ऊपर आप सेल में जा रहे हैं, तो आप GST कंप्लायंस करने के लिए लायबल है 40 लाख या उससे ऊपर। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप 20 लाख से प्लस पर ही GST के लिए लायबल है। ये एक मेन डिफरेंस आपको रखना है। तो जैसे ही आप ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लें तब आपको GST सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। तो जब आप GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपने एक चीज तो चेक कर ही ली कि आप सर्विसेज में फॉल करते हो या गुड्स में फॉल करते हो। उसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखिए, दो तरह के आपको GST रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे छोटे बिजनेसेस के लिए स्पेशली, एक है रेगुलर नेचर का और एक है कंपोजिट नेचर का। कंपोजिट नेचर में आपकी कंप्लायंसेस काफी कम हो जाती है, GST की जो रेट है वो काफी कम हो जाती है, लेकिन उसमें आप अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो और जो आपकी ओवरऑल इनकम है उस पर आपको एक सर्टेन अमाउंट का GST पे करना होता है। तो जनरली दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आप ये स्कीम में तभी ऑप्ट करिए जब आपके लिए रिकॉर्ड कीपिंग बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, अदरवाइज आप रेगुलर स्कीम में जाइए। एक और सजेशन जो CNU देना चाहते हैं, जैसे मान लो आप एक मोबाइल खरीद करके लाए, ठीक है 10,000 का, मैं भी लाया 10,000 का, यू आर अ GST ट्रेडर, आपको GST का इनपुट मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि आई एम नॉन GST। तो आप मेरे को जब माल बेचोगे, ठीक है, तो आपका चार्ज का तरीका, क्योंकि आपको क्रेडिट मिल रही है GST के, और मेरे चार्ज के तरीका क्योंकि मुझे GST क्रेडिट नहीं मिल रही, दोनों में फर्क आएगा। और जब भी GST का नाम आता है तो लोग इनपुट क्रेडिट की जरूर बात करते हैं। एज अ प्रोपराइटर आपको पता होना चाहिए इनपुट क्रेडिट क्या है। मैंने 1 लाख का माल खरीदा, ठीक है, और मेरे को 5% GST लगा, यानी मेरे को माल कितने का पड़ गया, 1,05,000। अब मैंने वही माल 1,20,000 का आगे बेचा, 1,20,000 का जब माल मैंने दूसरे व्यक्ति को बेचा, एक्स से तो खरीदा था 1 लाख का 1,05,000 में, और वाई को बेचा, वाई तो को बेचा 1,00,000 लगाया, 5% लगा, तो 1,26,000, 5% कितना हो गया, ठीक है 6,00,000। अब मेरे को सरकार को कितना देना है, 6,000, पीछे कितने देकर के आया हूँ, 5,000। तो आप कहोगे कि भाटिया जी तो 11,000 लग गए यार, तो बहुत ज्यादा। अब हुआ क्या, मैंने खरीदने पर दिए 5, बेचने पर दिया देना है मेरे को 6, तो जो खरीदने पर 5 दिया वो इस 6 से एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ GST क्रेडिट इनपुट, वो एक इनपुट है एक आउटपुट है। तो मुझे भारत सरकार को नेट कितना देना है, 1,000। अब अल्टीमेट टैक्स किस पर लगा, मान लीजिए आई एम अ ट्रेडर, एक्स से खरीदा वाई को बेचा, तो क्या अल्टीमेटली GST मेरे पे लगा क्या सर,
नहीं, जिसने फाइनल खरीदा उस पे लगा। तो फिर क्या परेशानी है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग परेशान केवल इसलिए होते हैं सर, क्योंकि जीएसटी का जो सिस्टम है वो क्रेडिट पर वर्क करता है। तो मान लो मैंने जिसको बेचा उधार पे बेचा, तो उसके पैसे तो आए नहीं और मुझे जीएसटी देना पड़ गया। आप समझे मेरे कहने का मतलब? उसके पैसे तो आए नहीं लेकिन जीएसटी देना पड़ गया। अभी मेरे से 3 महीने की क्रेडिट ले ली। ओके, मेरे से 3 महीने की क्रेडिट ले ली, लेकिन इधर मैंने उसको ठीक है बिल काट दिया। बिल काटते ही मेरी तो लायबिलिटी खड़ी हो गई ना सर, 6,000 माइनस 5,000, 1,000 रुपए तो सरकार को दूंगा। तो ये चीज जनता को परेशान कर रही है, कह रहे यार मैंने अभी तो पैसे तो आए नहीं, मेरे तो अटके हुए हैं, लेकिन सरकार को कैपिटल उनकी फंस रही है एक तरह से। बस ये एक इशू है। तो अगर आपके पास एक जीएसटी सर्टिफिकेट है और आप कुछ एसेट्स परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने माइक खरीदा या जिस पे अनिरुद्ध शूट कर रहा है वो कैमरा खरीदा, तो माइक और कैमरे पे 28% जीएसटी लगता है। तो एज अ बिजनेस मुझे 28% इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, और जो मेरे ऑलरेडी जीएसटी मैं पे करने वाला हूँ उसके अगेंस्ट मैं ये ऑफसेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये गुड्स खरीदते समय ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है। तो इफेक्टिवली अगर ये कैमरा 60,000 का है तो शायद मेरे लिए ये 40,000 रुपये का पड़ेगा। एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, क्या आपको अपने फर्म की अलग से एक बैलेंस शीट बनानी चाहिए? मान लीजिए आपने कोई अमेजोन पर अपने गुड्स बेचने का, अपने सामान बेचने का कोई बिजनेस शुरू किया, आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसे 150 रुपये में अमेजोन पर जाके बेच दिया, उसके अलावा आपने 10-15 रुपये पैकेजिंग चार्ज वगैरह में भी खर्च किए। तो अगर आपने एक चीज़ 150 में बेची है, उसको 100 रुपये में खरीदा है, 15 रुपये उसकी पैकेजिंग चार्ज लगी, तो आपको उसमें 35 रुपये का मुनाफा हुआ। फाइनली आपको जो टैक्स अगर आपको पे करेगा अपनी लायबिलिटी के हिसाब से, तो इस 35 रुपये पर ही करना है। ये 35 रुपीज़ आप तब निकाल पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि आपका टोटल इनकम कितनी और टोटल एक्सपेंसेस कितने और उसमें से नेट प्रॉफिट आपका कितना बच रहा है। यही सारी चीज़ आपकी हो जाती है जब आप एक बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। आई वुड सजेस्ट अगर आपके वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, वॉल्यूम्स ज़्यादा यानी लाखों में चल रहे हैं एटलीस्ट, जहाँ आप ये देखना भी चाहते हो, आपके लिए भी अच्छा है कि आप देखो आप क्या प्रॉफिट या लॉस कमा रहे हो, और जहाँ पर आप ये भी समझना चाह रहे हैं कि साहब वास्तव में मेरे को इनकम टैक्स में क्या रिपोर्टिंग करना है, तो इट वुड बी बेटर दैट यू मेंटेन सम अकाउंटेंसी, आप उसका कुछ अकाउंट्स बनाए। अगर आप बिजनेसमैन है और आप 2 करोड़ से ऊपर निकल गए, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअल बैलेंस शीट बनानी है, यानी आपको डिसाइड करना है और सही सही प्रॉफिट या लॉस आपको अपनी रिटर्न में बताना है। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर आप बैलेंस शीट P&L बनाने के लिए भारत सरकार की नजर में लायबल हो, तो कब लायबल हो? जब आप 2 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर खड़े हो। तो सबसे क्रूड फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सेल शीट मेंटेन कर लीजिए जिसमें एक साइड आप सारे अपनी इनकम्स लिखते जाइए और दूसरी साइड अपने एक्सपेंसेस लिखते जाइए। वो एक्सेल शीट अगर आप अपने CA को देंगे तो उससे वो बैलेंस शीट बड़ी आसानी से बना पाएंगे और ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट है और कितना आपका टैक्स बन रहा है वो आपको बता पाएंगे। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन अपने नाम से कई सारी अलग अलग प्रोप्राइटरशिप फर्म्स बना सकता है। मान लीजिए उसकी एक शॉप है मोबाइल रिपेयर की, मान लीजिए उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और सभी में उसने अलग अलग प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रखी है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और फाइनली इनकम तो अलग अलग बिजनेसेस से जो भी होगी फाइनली उस पर्सन की इनकम में ऐड हो जाएगी, क्योंकि पैन कार्ड तो एक ही है लेकिन सबका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन और सभी में नाम अलग अलग हो सकता है। तो नंबर 1, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपको बैलेंस शीट बनानी चाहिए। नंबर 2, अगर आपके अलग अलग प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट बिजनेसेस है तो एनीवेज इट्स अ गुड आइडिया कि आप सबकी अलग अलग बैलेंस शीट मेंटेन करें। और जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि आपके बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए आपको बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है, मान लीजिए मीटिंग के लिए आप कहीं जा रहे हो और वहां पे आपको फूड का एक्सपेंस हो रहा है, ये सारे आप एज अ बिजनेस डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। ये क्लेम तभी कर पाओगे जब इसका प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास सारे बिल्स हैं। अनूप सर ने मुझे ये पेट्रोल के एग्जांपल से बड़ी मजेदार तरीके से समझाया। सपोज यू आर अ सैलरीड पेड पर्सन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल, आप और मैं दोनों एक पेट्रोल पंप पर आ गए अपनी अपनी गाड़ी पे फ्यूल भराने। आपने 2000 का फ्यूल भरा लिया, मैंने भी आपके देखा देखी, लाओ मेरे भी 2000 का भर दो यार, कहीं इसको ये ना लगे कि ये कम कमाता है। ठीक है, 2000 का आपने भरा लिया फ्यूल, 2000 का मैंने फ्यूल भरा लिया, आपका 2000 का फ्यूल 2000 का ही पड़ेगा। आप तो बोले भाटिया जी आपका भी तो 2000 का पड़ेगा। नहीं सर, मेरा 2000 का फ्यूल 30% माइनस कर दो, मेरे को वो फ्यूल पड़ा सर 1400 रुपए का, आपको फ्यूल पड़ा 2000 रुपए। बोले क्या मतलब? सैलरीड पेड को सर बहुत सारे डिडक्शन नहीं मिलते जो बिजनेसमैन को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, अब मैं प्रोफेशनल हूं तो मैं ऑडिट करता हूं, मेरे को घूमना पड़ता है, मैं ऑडिट करने के लिए मुझे फ्यूल भी भराना पड़ता है, तो मैं उस फ्यूल को अपने P&L के अंदर डिडक्शन के रूप में क्लेम करूंगा। तो इसीलिए फाइनल सजेशन ये है कि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से काम करना चाहते हो तो अपनी फर्म की बैलेंस शीट जरूर बनाइए। एज अ प्रोप्राइटर आपके काम के काफी सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर लेना, हो सकता है आपके काफी सारे काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन इन लिंक्स को यूज करते हुए हो जाए। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको लेबर लॉस के हिसाब से अपने बिजनेस की क्या क्या कंप्लायंसेस करनी है। तो लेबर लॉस में जितने भी बिजनेस है, जितनी भी एंटिटीज है इंडिया में, उसे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, या तो वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरीज में फॉल होगी या फिर वो फैक्ट्री में फॉल होगी। तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे तो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक या नॉन इलेक्ट्रिक प्रोसेस है तो आप फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना आपको मैंडेटरी है। अदरवाइज बाकी सारे बिजनेसेस, चाहे तो आपकी कंसल्टिंग हो, चाहे आपकी शॉप हो, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो, कोई सर्विसेज हो, वो सभी फॉल करेंगे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में। तो आपको जैसे ही बिजनेस शुरू करना है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। उसके बाद की कंप्लायंस शुरू होगी जब आपने अपना पहला एम्प्लॉई हायर कर लिया, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है प्रोफेशनल टैक्स और लेबर वेलफेयर फंड का। काफी सारी स्टेट में ये फर्स्ट एम्प्लॉई के साथ लागू हो जाता है, कुछ स्टेट्स में ये 5 या 10 एम्प्लॉइज पर भी हो सकता है, इसलिए आपको अपनी स्टेट की जो लिमिट है वो चेक करनी है। लेकिन बाकी किसी भी कंप्लायंसेस से पहले जनरली ये दोनों कंप्लायंसेस आ जाती है। इनफैक्ट प्रोफेशनल टैक्स तो आप अगर एज अ प्रोफेशन कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, सिंगल ही कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक CA और प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर है जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उस केस में भी आपको अपना प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन जरूर कराना पड़ेगा। फोर्थ नंबर कंप्लायंसेस आ जाती है इसमें ESI की, वो लिमिट है 10 एम्प्लॉइज। जैसे ही आपने 10 एम्प्लॉय का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया तो ESI में आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जब 20 एम्प्लॉय का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो आप PF में रजिस्ट्रेशन कराइए। 20 एम्प्लॉय के साथ साथ और कई सारी कंप्लायंसेज आपके पास आ जाती है, जैसे बोनस, ग्रेचुटी एटसेट्रा। अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, इतना आपका बिजनेस बड़ा हो चुका है, तो माई पर्सनल सजेशन इज एज फार एज लेबर लॉज गोज कि आप अपना प्रोप्राइटरशिप में इतना बड़ा बिजनेस मत करिए। सिंपल एक पार्टनरशिप फॉर्म बना दीजिए। पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकता है आपका कोई पार्टनर नहीं हो तो किसी फैमिली मेंबर को, अपनी वाइफ को आप पार्टनर बना सकते हैं, 10% 15% जो भी स्टेक दे सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर उनको बना सकते हैं। इससे ये होगा कि एटलीस्ट एक पैन आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो सारे पोर्टल हैं जैसे PF है, ESI है, प्रोफेशनल टैक्स है, उसमें आपके पैन के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, और मान लीजिए आपके सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो आप उनका सेपरेट PF या सेपरेट ESI नंबर अभी ले नहीं पाएंगे और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। इनफैक्ट क्लोजर के समय भी आपको काफी कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि आप एक प्रोप्राइटरशिप को कैसे बंद कर सकते हैं, आपका पैन कार्ड तो बंद नहीं होगा। आप पार्टनरशिप फर्म को जरूर डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसॉल्व करने के साथ उसका पैन सरेंडर हो जाएगा, GST सरेंडर हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आप अपना PF और ESI नंबर सरेंडर करना चाहते हो। लेकिन वो प्रोप्राइटरशिप के केस में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सजेशन ये है कि जब तक आप 8-9 एम्प्लॉय तक काम कर रहे हो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर सकते हैं। 10 के बाद जनरली मेरा सजेशन ये रहेगा कि और कुछ नहीं तो एक पार्टनरशिप फर्म बना के उसमें आपको काम करना चाहिए। और जैसे ही आपने अपना फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया है, डे 1 से उस एम्प्लॉय की अटेंडेंस और बाकी रिकॉर्ड्स प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करते हुए चलिए, ताकि बाद में आपको ऑडिट्स में आसानी हो जाए। इसके लिए आप लेबर लॉ एडवाइजर की क्विक पेरोल ऐप जरूर चेकआउट करिए, जो कंप्लीटली फ्री टू यूज है। इस ऐप को यूज करते हुए आप एम्प्लॉय की डेली अटेंडेंस, उसके पेरोल, उसके एब्सेंट प्रेजेंट सभी कुछ बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से ही मैनेज कर पाएंगे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब बात कर लेते हैं हम टैक्स कंप्लायंसेस की। टैक्स में भी हम बात करेंगे इनकम टैक्स की, GST की और TDS की कंप्लायंसेस। इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस, बिजनेसमैन है एज एन इंडिविजुअल और मेरे पास दो ऑप्शन है ITR के, एक है सर ITR 4 और एक है ITR 3। ये दो मेन ITR है बिजनेसमैन के लिए। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इनकम टैक्स एक्ट की नजर में आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म और एज अ प्रोप्राइटर आप खुद, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपकी कितनी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, उन सभी के लिए एक ही पैन कार्ड चलेगा और वो पैन कार्ड होगा आपका। यानी अलग अलग बिजनेसेस से भी, या आपके एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से या डिफरेंट प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से आपने जितनी भी इनकम कलेक्ट करी है, वो सारी इनकम ऐड हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन में, और उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। वो टैक्स होगा जितनी आपकी स्लैब है उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन इसमें छोटे बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो और बिजनेस शुरू करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो हम आपको थोड़ी सहूलियत देते हैं। हम आपके लिए एक स्कीम लेकर आए हैं, वो है प्रिजम्प्टिव टैक्स। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि काफी फायदे की और काफी काम की स्कीम आपके लिए हो सकती है। प्रिजम्प्टिव टैक्स ये कहता है कि आपकी ओवरऑल जितनी भी इनकम है उसका आप एक सर्टेन परसेंटेज एज अ प्रॉफिट मानते हुए उस पर टैक्स पे कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,00,000 रुपए का ओवरऑल ट्रांजेक्शन किया है, 1,00,000 रुपए की आपकी टोटल इनवर्ड रिसिप्ट है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप इसके एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर लीजिए, मान लीजिए 8%, और आपका 1,00,000 रुपए का 8% 8,000 रुपए आप प्रॉफिट मानते हुए उस पर टैक्स पे कर दीजिए। तो इसमें गवर्नमेंट आपका जो रिटर्न है वो एक्सेप्ट कर लेगी, नो क्वेश्चन आस्क, अज्यूमिंग दैट आपने 1,00,000 रुपए जो कमिट किए हैं वो 1,00,000 रुपए करें। ऐसा नहीं 10,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए दिखाए तो आप पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन अगर एक्चुअल आपकी इनवर्ड रिसिप्ट 1,00,000 रुपए की ही है और उस पर आपने एक्स परसेंटेज के हिसाब से प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में अपना रिटर्न फाइल किया है, तो उसमें आप पे कोई ऑडिट नहीं होगी, आपको कोई बैलेंस शीट, कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना, और आपसे कोई पूछताछ उसमें फ्यूचर में नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं परचूनी की दुकान करता हूं और मेरे साल भर में 1.5 करोड़ का माल बिका, तो 1.5 करोड़ का 8% 12,00,000 रुपए, मुझे 12,00,000 रुपए इनकम दिखानी है मिनिमम। है सरकार कहती है इससे ज्यादा दिखाना चाहे तो आप दिखा ले। अब ज्यादा क्यों दिखाएंगे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब मेरे तो बचे 22,00,000, तो क्या मैं 12,00,000 दिखा के निकल जाऊं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर सही सही आंसर कब मिलते हैं आपको ऋषभ जी? इनकम तो जो वास्तव में हुई है वो दिखानी चाहिए। सरकार क्योंकि कह रही है कि 6-8 बता दोगे तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम इतने पर मान लेंगे। मान लो किसी वजह से कल मैं ये पकड़ा गया कि अनूप भाटिया के पास में 22,00,000 का सोना है, और पीछे जाके रिटर्न देखी तो उसने 12,00,000 की बनी, तो जो बाकी का 10,00,000 है वो तो अघोषित आय नहीं होगी क्या? वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम नहीं? तो ठीक है, मैं यहाँ पर नेगेटिव संदेश नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ
कि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि मेरा प्रिसाइसली प्रॉफिट कितना है, तो सरकार भी इस बात को मानती है और ये कह रही है कि ठीक है साहब आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है ना, आप ये मानते हो मेरा मार्जिन 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22 जो है वो बताओ और निकल जाओ, हम आपको ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। तो इस सेक्शन का नाम है बिजनेसेस के लिए सेक्शन 44AD। जब तक आपके बिजनेस का ओवरऑल एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे रहता है तब आप 44AD में अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें ITR 4 आपको फाइल करना होता है। तो ओवरऑल आपका जितना टर्नओवर रहा है उसका 8% आप अपना प्रॉफिट मानते हुए उस पर टैक्स भर दीजिए। मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं और आपने साल भर में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, तो उसमें 8 लाख रुपए आप अपना बिजनेस प्रॉफिट मानते हुए 8 लाख पर अगर टैक्स भर देंगे तो आपका वो रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ये प्रोफेशन के केस में थोड़ा अलग है। प्रोफेशनल कौन है इनकम टैक्स लॉ में डिफाइंड नहीं, पर इनकम टैक्स लॉ में एक टर्म यूज हुई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, उसमें कौन कौन आते हैं जरा सुनिएगा। डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और एडवोकेट्स, या कोई आईटी प्रोफेशनल है। जैसे मान लीजिए आप आईटी प्रोफेशनल है तो आप इनकम टैक्स लॉ की नजर में स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। फिल्म एक्टर्स, इस तरीके के लोगों को सर जनरली प्रोफेशनल माना गया, उन्हें बिजनेसमैन से अलग किया लॉ ने। उनके लिए दूसरा सेक्शन है 44AD है, क्योंकि प्रोफेशनल के उतने खर्चे नहीं होते सर जो बिजनेसमैन के होते हैं। उस पर्टिकुलर केस में 2 करोड़ की लिमिट तो पहली बार घटाकर कर दी गई है 50 लाख रुपए, और उसके लिए जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के लिए परसेंटेज सेट किया गया है वो है 50%। यानी अगर आपने 40 लाख रुपए की रिसिप्ट है तो आपको 20 लाख रुपए अपनी नेट प्रॉफिट मानते हुए 44AD में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे साल के 20 लाख की रिसीट आती है, तो मैं बोलूंगा ठीक है जी 50% मैं बता रहा हूं कि मेरे 50% नेट इनकम बच रही है, तो 10 लाख बताया मैं निकल गया, ठीक है। अच्छा। जबकि मैं बिजनेसमैन होता तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6% 8% एज द केस में भी जो मैंने डिस्कस किया। तो ये डिफरेंस आ गया एक प्रोफेशनल में और बिजनेसमैन। तो अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्स की रिजीम में फॉल करते हैं और आप जो गवर्नमेंट ने स्लैब बताई है 8% या 50% उसके हिसाब से अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो आपको कोई अपने अकाउंट्स की ऑडिट वॉडिट भी नहीं करानी, कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है। उससे ज़्यादा आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने जरूरी है। ऑडिट का मतलब होता है कि एक CA फर्म को आपको हायर करना पड़ेगा और उसके जो भी इंटर्न्स हैं या जो CA हैं वो आएंगे, आपके सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे और सर्टिफाई करके आपको ठप्पा लगा के आपकी बैलेंस शीट देंगे कि हमने चेक कर लिया है, इसमें कुछ गलती पाई जाती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपने रिकॉर्ड उनको प्रोड्यूस करें उसके हिसाब से ये आपका अप्रूव्ड ऑडिटेड बैलेंस शीट है। तो आपका एनुअल जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपका पूरा साल खत्म हो जाए, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, उसके बाद एक बार में आपको टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट इतनी आपको छोड़ने वाली नहीं है। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको साल में 4 बार एडवांस टैक्स पेमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। इसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन तब मिल जाता है जब आप प्रिजम्प्टिव टैक्स रिजीम में अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं, तब आप 15 मार्च को अपना एडवांस टैक्स पूरा भर सकते हैं। लेकिन ये अभी आपने सिर्फ टैक्स भरा है, अभी रिटर्न नहीं फाइल करा है। रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है हर साल नॉन ऑडिटेड पर्संस के लिए, नॉन ऑडिटेड प्रोप्राइटर्स के लिए 31st of July। और अगर आप ऑडिटेड रिजीम में आते हैं, आपका टर्नओवर ज्यादा रहता है, तो आपके लिए डेट हो जाती है 30th September। हाँ, गवर्नमेंट इसमें थोड़ा 1-2 महीने का एक्सटेंशन तो हर साल देती है, और इस साल जब कोविड है तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा एक्सटेंशन, कई महीनों का एक्सटेंशन आपको मिला है। इनकम टैक्स के कंपैरिजन में GST की कंप्लायंसेस काफी ज्यादा है और रिलेटिवली मोर स्ट्रिंजेंट है। GST की 4 रिटर्न्स जाती हैं सर, क्वार्टरली रिटर्न्स, और 1 रिटर्न जाती है एनुअल रिटर्न, यानी टोटल रिटर्न हो गई 5। और GST लायबिलिटी हमें मंथली पे करनी है, यानी अच्छा। आपको हर महीने GST देना है लेकिन रिटर्न क्वार्टरली भरनी है और फिर एक एनुअल रिटर्न और भरनी। ये लिस्ट ऑफ GST कंप्लायंसेस है जिसको आप यहां से देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है TDS का। अब ये TDS क्या बोला है, आपने जो भी एम्प्लॉय हायर किए हैं उनकी अगर सैलरी ज्यादा है एक सर्टेन लिमिट से कि वो टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, तो उनका टैक्स आपको काट के पहले गवर्नमेंट के पास जमा कराना होगा। अगर आपने कोई प्रोफेशनल हायर किया है, उस प्रोफेशनल को आप 30,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी टैक्स आपको पहले से काट के गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने कोई फैक्ट्री रेंट की है, कोई ऑफिस रेंट किया है और उसकी रेंट भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है, तो रेंट पर भी आपको कुछ टैक्स पहले से काट के गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2020 से भारत सरकार ने TDS प्रोविजन में सब्सटेंशियल अमेंडमेंट कर दिए। अब लॉ ये बोलता है अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप 1 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर थे, तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहे 44AD का बेनिफिट ले रहे हैं यानी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में जा रहे हैं, तो भी एज एन इंडिविजुअल आपको TDS काटना है। यानी मान लीजिए किसी का 1.5 करोड़ का टर्नओवर है और वो कहता है जी पूरा बैंकिंग से टर्नओवर है ऋषभ जी, मैं तो 6% इनकम ऑफर करूंगा, कोई बात नहीं। उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, दूसरों को सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिए, मान लीजिए उसने 50 लाख के ठेके दूसरे व्यक्तियों से करवाए, तो जिनको उसने 50 लाख के काम दिए उनसे वो सेक्शन 194C में TDS काटने के लिए लाइबल है @1% और 2% एज द केस में भी। इंडिविजुअल है तो 1% TDS काटेगा, नॉन इंडिविजुअल है तो 2% TDS काटेगा। यानी एक इंडिविजुअल अपनी TDS की लायबिलिटी से बच नहीं सकता,
उसको भी टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है। ये बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, क्योंकि ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और आपके तरफ से बहुत सारी कंप्लायंसेस को बढ़ाने वाला है। लेकिन खुशी की बात ये है कि छोटे बिजनेसेस के लिए जिनकी 1 करोड़ से नीचे नीचे का टर्नओवर है, उनके लिए टीडीएस की कंप्लायंसेस करना मैंडेटरी नहीं है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो आपको 10 नंबर लेना मैंडेटरी है, और उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ का, प्रोफेशनल सर्विसेज का, इवन रेंट के ऊपर आपको टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास जमा कराना है। ये 1 करोड़ की लिमिट सर्विसेज वाले बिजनेसेस के लिए 50 लाख रुपये हो जाती है। तो इनकम टैक्स में आपने फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनकम टैक्स में सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस करनी है जो आपके पैन के अगेंस्ट होगी। सेकंड, अगर आपका बिजनेस 20 लाख या 40 लाख जो भी लिमिट है उसको क्रॉस कर चुका है तो आपको जीएसटी की कंप्लायंसेस करनी है, और 1 करोड़ या 50 लाख रेस्पेक्टिवली अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर क्रॉस कर चुका है तो आपको टीडीएस की कंप्लायंसेस करनी है, जिसके लिए आपको लेना है 10 नंबर। तो इंडिया इज अ कैश इकोनॉमी, बहुत सारा बिजनेस यहाँ पर कैश में चलता है। तब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैश में पेमेंट लेना या देना लीगल है या नहीं। तो मैं आपको सिंपल जवाब दूंगा, इन मोस्ट केसेस नो। मैक्सिमम जो लिमिट सेट की गई है कैश में ट्रांजैक्शन करने के लिए वो है 10,000 रुपये। उससे ज़्यादा अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं कैश में तो उसको आप बिजनेस डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, और वो रिलैक्सेशन है जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्स के फॉर्म में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि एनीवेज उनको कुछ बैलेंस शीट या कुछ रिकॉर्ड तो मेंटेन करके रखना ही नहीं होता है, और वो अपने ओवरऑल इनकम के एक प्रिजम्पशन के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, तो उनके लिए कैश वाला लिमिट लागू नहीं है। सर आज मान लीजिए मैं सब्जी बेचने का काम करता हूँ, सवेरे सवेरे मंडी जाता हूँ, ठीक है, 25,000 का रोज का मेरा गल्ला है और 20-1,000 की सब्जी लाता हूँ, 25,000 का माल बेचता हूँ, फिर अगले दिन पहुंच जाता हूँ। अब मैं वहां बोलूंगा यार मैं चेक से पे करूंगा, वो किसान मेरे से लेगा ही नहीं लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को सर ये बात बहुत सपोर्ट करने वाली है, ठीक है, कि प्रोवाइडेड उसका 44 AD से ऊपर टर्नओवर नहीं है, 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाओगे टैक्स ऑडिट में आ गए तो फिर सर ध्यान रखना है आप। एक और कंसेप्ट आप समझिए, उस कंसेप्ट का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी एसेट आप बिजनेस में प्रयोग करते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, यू आर यूजिंग अ माइक, यू आर यूजिंग अ मोबाइल, ठीक है, यू मे बी यूजिंग अ प्रिंटर, यू मे बी हैविंग सम फर्नीचर फिक्स्चर, यू मे बी हैविंग सम बिल्डिंग ओन्ड बाय यू व्हिच यू आर यूजिंग फॉर योर बिजनेस प्रोजेक्ट, ऑल दीज आर क्वालिफाइंग फॉर डेप्रिसिएशन इफ यू आर अ बिजनेसमैन। बट व्हेन यू आर इनटू 44 AD, दैट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, देन डेप्रिसिएशन इज नॉट एक्चुअली अलाउड, इट इज डीम्ड टू बी अलाउड, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल इनकम ऑफर करते हो, यानी 2 करोड़ से ऊपर हो, या आप कहते हो नहीं जी मैं 44 AD में या LDA में नहीं आना चाहता प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, तो आपने जो भी एसेट खरीदी, से फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल खरीदा, अब मुझे मोबाइल आया सर लेट्स अज्यूम 30,000, तो 30,000 का मुझे 15% के हिसाब से 4,500 का डिडक्शन मेरी प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में मिल जाएगा इफ आई एम अ बिजनेसमैन। तो दैट इज हाउ द डेप्रिसिएशन इज अलाउड। अलग अलग एसेट के लिए ऋषभ जी अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट है, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्शियल बिल्डिंग है 10% है, ठीक है ना, या मोबाइल्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है 15% है, गाड़ियों पर डेप्रिसिएशन की रेट यूजुअली 15% है, तो वो डेप्रिसिएशन रेट पिक कर लेंगे और अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैं सर ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ क्या मैं अपना एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या एनी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ? और इनफैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक क्वेश्चन काफी आता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीगली एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं सैलरीड एम्प्लॉय की बात कर लेता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर एम्प्लॉय एनीवेज कम सैलरी होने के कारण कहीं ना कहीं साइड इनकम देखते ही रहते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय को प्रोहिबिट नहीं करता कि वो अपने साथ में एक प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस नहीं कर सकता। आप किसी सीए से बात करेंगे तो उनको ज्यादातर ऐसे ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को आते हैं जिसमें सैलरीड इनकम के साथ कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या बिजनेस इनकम एनीवेज हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना सैलरी की अकाउंटिंग अलग से करके रखना है और अपने बिजनेस की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग से करके रखनी है, ताकि दोनों मिक्स ना हो और घालमेल उसके साथ ज्यादा ना हो। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में मॉरली लीगली ये रॉन्ग है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपने वाइफ या किसी फैमिली मेंबर के नाम पर जरूर बिजनेस करते हुए आपको नजर आएंगे, और दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया, बट वो अपने नाम पर कोई भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ पर्सनल सजेशन देना चाहता हूं किस तरह से आपको अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म रन करनी चाहिए, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा मैं कुछ नेगेटिव साइड्स भी आपको बताना चाहता हूं जिनके बारे में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। सजेशन नंबर 1, साल खत्म होने का इंतजार मत करिए अपनी बैलेंस शीट बनाने का। हर महीने जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको एक अकाउंट में डालते रहिए और अपनी बैलेंस शीट को मॉनिटर करते रहिए, ताकि आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकें, कोई एडवांस टैक्स देना है तो उसको दे सकें। जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, करवाना है तो करवा लीजिए। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि मार्च खत्म होने के बाद ये सारी प्लानिंग करते हैं, और उनको तब पता चलता है कि अरे यार हमारे तो 3 महीने पहले ही 20 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई थी, हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना था या हमको एडवांस टैक्स फाइल करना था, हम करना भूल गए, इतना आप टैक्स बन रहा है, इतनी पेनल्टी बन रही है। सजेशन नंबर 1, स्टार्ट योर टैक्स प्लानिंग अर्ली। सजेशन नंबर 2, ऑलवेज मेंटेन योर बिल्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो आपने बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उनका रिकॉर्ड आपको जरूर मेंटेन करना है, और आजकल इतने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और उसमें ऐसा पे यू रेजर पे इस तरह का गेटवे का नाम लिखा होता है, 2 महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने वो पेमेंट किस लिए किया है, वो एक्चुअल आपका एक्सपेंसेस है या पर्सनल नेचर का खर्चा है, एसेट है,
क्या चीज है, और तब साल खत्म होने का था, फ्रस्ट्रेट होकर अपने ईमेल में वो ढूंढते चले जाओगे। तो सेकंड, जैसे ही आपने पेमेंट किया उसका पेमेंट का रिसिप्ट निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, उस पर लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, और क्या हेड में उसको डालना है वो आप लिख कर एक फाइल में जरूर मेंटेन करिए। सजेशन नंबर 3, मेंटेन योर एम्प्लॉय रिकॉर्ड प्रॉपरली, स्पेशली उनकी अटेंडेंस यानी मस्टर रोल, उनके पीएफ और ये सही अगर कट रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड्स, उनकी सैलरी स्लिप्स, हर महीने सैलरी अकाउंट में कितना एक्सपेंसेस हुआ है, इंक्रीमेंट्स कब कब हुए हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। इसमें भी आपको ये फायदा ये रहेगा कि आपके कब 5 एम्प्लॉय क्रॉस हो गए, कब 10 एम्प्लॉय क्रॉस हो गए, वो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा और उसके हिसाब से आप अपने रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंसेस कर सकते हैं। और 4th सजेशन, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको लोन वगैरह लेना है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर ही मत करिए, क्योंकि एज अ प्रोप्राइटर आप में और आपकी फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने काफ़ी सारा लोन ले लिया और उसको आप डिफॉल्ट करते हो, तो बैंक्स या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके आपकी लायबिलिटीज़ को चुका सकते हैं, क्योंकि आप में और आपकी फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। वहीं अगर आप OPC या प्राइवेट लिमिटेड खोलकर अपना बिजनेस करते हैं, तो देर इज़ सम काइंड ऑफ सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर बिजनेस। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? नंबर 1, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें लोन या बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। नंबर 2, इसमें कोई बड़ा बिजनेस स्केल कर पाना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट आप इसमें अगर एक्सटर्नल फंडिंग लेना चाहेंगे वो सारी चीज़ें होती ही नहीं है, क्योंकि एज अ प्रोप्राइटर इट्स टू रिस्की एंड नोबडी इज गोइंग टू बैट यू। आपको लोन मुश्किल से मिलेगा, आपको फंडिंग मुश्किल से मिलेगी। नंबर 3, इसके कन्वर्जन भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म को मैं अब बड़ी हो गई है इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दूं या OPC में कन्वर्ट कर दूं, तो अगेन दैट प्रोसेस इज डिफिकल्ट, हो भी नहीं पाएगा। गुडविल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, और इसमें ओवरऑल आपका बिजनेस प्रोटेक्शन और बिजनेस की कंटिन्यूटी भी डिफिकल्ट टू मेंटेन है। अगर एज अ प्रोप्राइटर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद आपका बिजनेस ट्रांसफर या कंटिन्यू नहीं होता है प्राइवेट लिमिटेड में, जैसे डायरेक्टर्स नए आ जाते हैं। प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता कि नया प्रोप्राइटर आ गया और पुराना प्रोप्राइटर को रिप्लेस कर दिया, ऐसा होता ही नहीं है। एक प्रोप्राइटर के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी फर्म बंद हो जाती है। तो जाते जाते अगर आप अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो एक तो डिस्क्रिप्शन से क्विक पेरोल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री, और आपके पहले एम्प्लॉई से आपके काम आने लगेगी। अगर प्रोप्राइटरशिप से जुड़े हुए आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। जो टॉप कमेंट्स रहेंगे, जो टॉप क्वेश्चंस रहेंगे, अगर कुछ आते हैं अच्छे क्वेश्चंस, तो उनको जोड़ के हम एक और वीडियो प्रोप्राइटरशिप पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। बिजनेस बेसिक्स के 3rd एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जो हम प्रोबेबली बनाएंगे या तो प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर या फिर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। किस पे पहले बनाना चाहिए हमें कमेंट में वो भी आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। दर्शक भी जब देखेंगे इस वीडियो को तो वो कहेंगे कि हाँ, ये अनुप भाटिया ने मजेदार बात करी है।